अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ तो मैं जाने लगी हूँ अपनी जिठानी की तरफ। तो ये आनंद फन वाला जो प्रोग्राम बना होता है ना, वो हमारा प्रोग्राम बना है। तो बाजी का फोन आया था कि आ जाओ, क्योंकि बच्चे जो छोटे हैं ना, वो एक हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाते हैं और एक हफ्ते में 2 दिन जाते हैं। तो इनको इकट्ठी 2 छुट्टियां थी, तो वो कह रही कि चलो लॉकडाउन जो है ना, वो तो आपको पता है जो भी जो बढ़ गया है 27 तारीख तक, और ये थोड़ी सी उनको छूट मिली है कि चलो 4 से 5 अफराद जो है मेम्बर, वो एक दूसरे के घर जा सकते हैं। तो उसका हमने फायदा उठाया कि लॉकडाउन तो खुलना नहीं है, तो बेहतर है कि वो सर पर सवार करें कि हाय फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया। तो बेहतर है कि इसको मैं रिलैक्स करने के लिए ना सच्ची में प्रोग्राम बनाया। बिल्कुल भी जाने को दिल नहीं कर रहा था, काफी काम थे घर के, लेकिन जब बच्चे ऐसे करते हैं ना कि रह रह के बच्चों को जब देखते हैं, फिर होता है कि नहीं हम अपना ही देखते हैं, तो चले कोई नहीं, इनका भी देखते हैं, इनको भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, थोड़ा सा उनको स्ट्रेस बेचारों के निकल जाए। घरों में रह रहे कि वो भी बेचारे उतास गए हैं, तो इसकी वजह से मैंने कहा चलो ठीक है मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो नहीं जा रहे, मैं आया और मैं अपने बच्चों के साथ जाऊंगी। मैं जो अब आपको दिखा रही हूँ कपड़े में पहनाने लगी थी, तो मैंने कहा चलो प्रॉपर मैं बिछा के आपको दिखा दूँ। बेटी छोटी का आपने देखा, उसका करिश्मा का, उसका मारिया भी, कैसे मैं ब्रांडेड लेती हूँ, क्योंकि वो चुभने वाले नहीं बनाते, हमेशा वो नीचे लॉन वगैरह का जो स्टाफ है ना वो लगाते हैं, और बड़े सॉफ्ट होते हैं, ये सारा दिन भी पहने तो बिल्कुल भी नहीं रोती। पहले जब नहीं थी ऐसी चीज़ें, ऑनलाइन चीज़ें नहीं मिलती थी, तो मैं जब 2006-07 की बात कर रही हूँ, उस वक्त, इस वक्त की बात नहीं कर रही, उस वक्त पार्सल आते थे ना, तो वो बाजी वगैरह बनाते थे, तो जितना मर्जी उनको भी कह देते थे ना कि कपड़ा सॉफ्ट हो, फिर भी कुछ ना कुछ चुभने वाला लग जाता था, कभी सिलाई में कुछ वो खिंच सी पड़ जाती है जैसे होती है ना, तो वो पहनती नहीं थी। तो अब ये एक अल्लाह का शुक्र है, सहूलत है, तो वो पहन लेती है। तो दूसरा मैं अपनी बेटी बड़ी का बनंजा का दिखा रही थी, पेपलम, उसके मैं ऐसे ही लेती हूँ साथ, उसने नीचे टाइट्स पहननी है, तो वो भी बड़ा अच्छा बड़ा सस्ते वाला मुझे मिला है। तो मैंने काफी दिन, जैसे होती है ना गर्मी स्टार्ट होती है, इस साल के जो अगले साल के जो कपड़े वो मैं इस साल मतलब मंगवाना शुरू कर देती हूँ, तो ऐसे मैं एक साल की जैसे होते ना बुकिंग पहले अपने घर में स्टार्ट करती हूँ, कि जाहिर बात है बच्चियाँ मैं हूँ तो कहीं जाना पड़ता है, तो घर में कपड़ा होना चाहिए। इधर कौन सी ऐसी मार्केट्स है जहाँ हम जा के ले सकते हैं, तो सहूलत यही है कि बेहतर यही है। आप लोगों को भी कहूँगी कि अगर लेना है तो अगले फंक्शन, अगले साल की चीज़ों के पहली तैयारी करके रखें। तो अब मैं अपना दिखा रही हूँ, मेरा हस्बैंड ममूल आगा नूर का, तो जहाँ से मैं लेती हूँ ना, वो मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे कहते हैं आप मुझे, आप अपने कपड़ों के ब्रांडिंग का नाम लेती हैं, लेकिन जहां से लेती हैं वो आप मेरा नाम नहीं लेती। मैं नहीं लेती थी नाम, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना बगैर पूछे किसी का नाम लेना, तो लेकिन मैंने जब उन्होंने मुझे खुद कहा ना, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है अगली वीडियो में मैं आपका नाम लूंगी। मैं ये जो ब्रांडेड कपड़े ना, ये हिना जी हैं कराची में, वहां से मैं लेती हूँ, तो उनकी इजाज़त से मैं उनका नाम ले रही हूँ, उनकी इजाज़त नहीं, उन्होंने मुझे खुद बोला था कि मेरा नाम लेना है, तो इसलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ। बड़े अच्छी, काफ़ी 2012 से मेरे साथ है, बहुत अच्छी माशाल्लाह लेडी है वो। तो अब हम हो गए तैयार, तो मैं ऊपर से नीचे अब आ गई हूँ, मैंने कहा चलो निकलते हैं, बच्चों को मैंने भेजा आप गाड़ी में जाके बेल्ट शर्टें लगा लें, क्योंकि ये भी बड़ा काम होता है बेल्ट वगैरह लगाना, तो मैं उनको पहले ही भेज दिया कि मैं आ रही हूँ, तो आप अपनी जो गाड़ी वगैरह स्टार्ट करें, क्योंकि बेटे ने गाड़ी चलानी थी तो मेरी छुट्टी थी, मैंने पीछे बैठना था। मैंने कहा मैं चलाती हूँ, तो जो बेटी है ना उसको ये था नहीं भाई चलाएगा, भाई चलाएगा तो फिर वो खुद आगे बैठेगी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो आप चला लो, तो मैं छोटे बच्चों के साथ पीछे बैठ जाती, कोई मसला नहीं। बच्चे चले गए गाड़ी में, मैं और मुझे ये मेरे मियाँ मेरे साथ साथ आ रहे हैं, मुझे अल्लाह हाफिज़ करने, और साथ ये था कि ये जाते जब होते हैं फिर तो कोई टेंशन नहीं, अगर घर में हो फिर मुझे टेंशन होती है, पीछे नाश्ता खाना ये वो। एक रात के लिए हम गए थे, तो ये था कि चलो अगर टाइम मिला तो वापस पीछे आ जाएंगे, लेकिन ऐसे उनको टाइम मिला ही नहीं, वो आए नहीं है, तो ऐसे मेरे साथ वो बच्चों को अल्लाह हाफिज़ नहीं किया, तो कह रहे थे कि चलो मैं आपको अल्लाह हाफिज़ भी कर लेता हूँ और साथ बच्चों को भी मिल लेता हूँ, तो वो भी मुझे गाड़ी में बैठाने के लिए मेरे साथ साथ आ रहे हैं। तो अब हम निकल पड़े हैं, माशाल्लाह मेरा बेटा ही चला रहा है गाड़ी, तो इतना टाइम नहीं लगता, आधे घंटे की ड्राइव है, तो ये था कि आराम आराम से चलते हैं, मजा ले, कि ये इतने जल्दी तो है नहीं कि हम भाग भाग के जाएंगे, तो इसके तमाशे, बस इसकी तरफ कैमरा होने की देर है और इसके तमाशे शुरू हो जाते हैं। बेटी थोड़ी सी शाय है, वो इतना नहीं करती ना, बेटी तो आपको पता है ऐसी होती है, और बेटे थोड़े से होते हैं, बस हर किसी का अपना एक माइंड होता है, हर किसी का अपना एक वो नेचर होती है। तो हम पहुंच गए हैं, तो बेटा छोटा जो है पार्किंग मिली नहीं थी, तो वो कह रहे थे मामा आप लोग जाएं, तो मैं पार्किंग लगा के आता हूँ, तो ये मेरा बैग पकड़ के जा रहा है। तो
मैं हम ऊपर पहुंच गए हैं, तो मैं जाते ऊपर थोड़ी सी वीडियो बनाई है, खाना वगैरह गर्म करने लागे। मैंने कहा चलो जब खाना खाने लगेंगे तो फिर मैं उसकी थोड़ी सी क्लिप ले लूंगी कि क्या आज हम खा रहे हैं, क्योंकि मैं और बाजी और बच्चे थे, तो आज वही मैंने खाना बनवाया जो हम दोनों को पसंद है। क्योंकि अगर मियाँ साथ हो तो उनको ज़्यादातर उनकी च्वाइस के हिसाब से खाना बनता है, लेकिन जब मैं जाने लगी तो मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि बाजी एक चीज़ बनाना, क्योंकि बच्चे जो है ना वो कौन सा इतना ये खाए, उनको एक चीज़ बना दे वो आराम से खा लेते हैं, जो उनको पसंद थी मुझे भी पसंद थी, तो वो फिर भी बाजी ने कितना सारा खाना बना लिया। तो अब हम खाना खाने लगे हैं, सब डिश पे बैठे हैं, और छोटे जो है ना वो हमेशा, मैं भी आपको दिखाती हूँ कहाँ बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि उन्होंने साथ साथ अपने कार्टून देखने, वो तो बिल्कुल भी नागा नहीं ना करना। तो इन दोनों को मैंने इधर बिठाया है, तो ये खुद से खाना खाते हैं, कभी भी मैंने खुद से नवाले इनके मुँह में नहीं डाले, मैंने आदत ही नहीं डाली, सारे बच्चों को माशाल्लाह खुद ही खाना खाते हैं। मैं ऐसे प्लेट्स में सालन डाल के, और छोटे छोटे नवाले, पहले अब तो वो नवाले भी खुद कर लेते हैं, पहले मैं छोटे छोटे नवाले डाल के सलाद डाल के तो उनके आगे रख देती थी, तो वो माशाल्लाह खाते हैं। अगर खुद से खाएं तो मुझे ऐसे लगता है बच्चे को लगता ही नहीं है, मैं कभी भी नहीं उनके पीछे 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 नवाला लेके घूमी के खा लो खा लो खा लो। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी बच्चों ने तंग भी नहीं किया, जितना खाना है उतना वो खाते हैं, मैं प्रेशर नहीं दिया कि आपने ये क्यों छोड़ा, इतना और खा लो और खा लो, कभी नहीं किया। मुझे पता है जब उनको भूख लगनी है उन्होंने दोबारा मेरे से ले लेना है, तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई मसला मुझे हुआ नहीं है। तो मुझे भी यही होता है कि अगर बच्चों को देना होता है ना खाना, तो उनको ऐसे प्लेट्स वगैरह में डाल के खुद से दें, ना कि पीछे पीछे भागे। मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट है माँ के लिए कि अपना भी खाना आराम से खा सकती है और बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। तो ये अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो मैं बाहर बालकोनी में गई थी और इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाले स्टूप पे रहते हैं, और जब नीचे देखते हैं ना तो मैं कभी ऊपर चढ़ा वो जैसे बुलंदी से नीचे देख रहा या पानी को देख रहा मुझे बड़ा डर आता है। तो मैं इनकी बालकोनी की तरफ गई ना, तो पीछे खड़ी होकर थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, मुझे मतलब बहुत डर आता है मुझे नीचे देखने में। तो आज मैं किचन में आई थी, मैंने कहा चलो चाय वगैरह बनाती हूँ, तो बाजी जो थी वो भी उठ गए थे, वो वाशरूम में थे, मैंने कहा मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ, मना करते मैं बनाती हूँ बनाती हूँ, मैंने कहा मैं भी तो क्या कर रही हूँ, चलो चाय बनानी मैं बना लेती हूँ। तो चाय मैंने ऊपर रखी और साथ में बाहर बालकोनी की तरफ किचन की साइड से जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं जब भी आती थी ना, जब मैं आती हूँ या बाजी मेरे तरफ आते हैं, तो हमारा अगले दिन का नेक्स्ट जो होता है ना वो यही होता है कि हमने मार्केट जाना है। तो आजकल आपको पता है मार्केट्स वगैरह बंद है, तो बच्चों को भी पता होता है कि मामा लोगों ने जाना है, तो वो सुबह उठते पूछने लग जाते हैं कितने बजे जा रही है, कितने बजे आ रही है, ये ले आना मेरे लिए, वो ले आना, उनकी डिमांड जो है ना वो शुरू हो जाती है। तो आज उनको पता था कि मार्केट्स वगैरह जो जहाँ ये जाती हैं वहाँ तो बंद है, तो पता नहीं कहीं ना कहीं ज़रूर जाएंगी, बेशक वो जो ग्रोसरी मार्केट है वहाँ क्यों ना चली जाए। तो ये हमारी जो आउटिंग है ना हमारी बस यही है कि जाना है सुबह उठ के, हमें कहीं ना कहीं जाना है। तो लेकिन ये था कि आज के जो मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो एशियन मार्केट का सामान है, जो पाकिस्तानी मार्केट जो हम स्पाइस यूज़ करते हैं, आटा चावल जो भी, वो ख़त्म था। तो मुझे यही था कि मैंने जाना है, तो चलो और तो कोई खुला कुछ नहीं है, तो मैं क्या अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी, मैं बाजी के साथ चली जाऊँगी। तो मैं सब बच्चों को ना बता रही थी कि हम जा रहे हैं, इतने बजे आएंगे, तंग नहीं करना छोटे बच्चों को, आपको पता है निकलते निकलते नसीहतें करनी पड़ती हैं, बिल्कुल भी तंग नहीं करना, छलांगे नहीं मारनी, लड़ाई नहीं करनी। तो वो मैं उनको समझा रही थी बारी बारी। तो अब हम दोनों निकल आए हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा है कौन सी मार्केट में जा रही है, उस हिसाब से फिर वो आपको लिस्ट देंगे ना। तो मैंने जब बताया मैं एशिया मार्केट में जा रही हूँ, तो उस हिसाब से उन्होंने उधर भी सच में वो बता दिया था कि क्या क्या लेके आना है। वो भी बख्शते नहीं है कि अगर ये नहीं घर में रहेंगी तो इनको कुछ ना कुछ तो लिस्ट में देना है। तो अब हम दोनों पहुँच गए हैं, तो मैंने इधर से लेनी थी काफ़ी चीज़ें, तो जो भी मैं लूँगी वो तो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊँगी, अगली वीडियो में दिखाऊँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। तो मैंने ही लेना था, बाजी मेरे साथ आए, तो उन्होंने सिर्फ सब्जियां वगैरह देखी हैं, सब्जियां इतनी अच्छी, इतनी फ्रेश सब्जियां, तो सारी थी, ये नहीं कि एक चीज़ थी और दूसरी नहीं थी। वो मैं जब दूसरी वीडियो आएगी ना तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कितनी अच्छी फ्रेश वाली सब्जियां मैं लेके आई हूँ। बड़ा मज़ा आया देख के, मुझे इन मार्केट्स में सिर्फ मज़ा आता है, बाकी ये जो गोरों की मार्केट्स है ना वहाँ मुझे बड़ा पंगा लगता है जाने में, बहुत थकावट होती है। तो मैं ये क्योंकि इसमें पाकिस्तानी चीज़ें नज़र आती हैं तो देख के अच्छा लगता है। तो इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, तो अगली वीडियो में वापस आऊँगी, सारा कुछ आपको दिखाऊँगी जो लेके आई हूँ। तो अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें, और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।